लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अनुष्का का पैशन है ये सांस, और इस सांस के हर सुर में देवेन सुनाई देता है, और देवेन की हर सांस में अनुष्का। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस दोस्त देवन से। हर रोज रिहर्सल पर देर से आता है। मुझे डर है कि इसके बिहेवियर की वजह से हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उसे निकाल देंगे। ठीक है, तो मुझे भी निकाल दीजिए। ओह, डोंट बी सिली। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। मैं आ गया ना, आ गया हूँ, आ गया ना, आ गया हूँ। शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आती है, लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती है। अच्छा, कोरस सिंगर होकर लीड सिंगर बनने के बहुत सपने देखते हो ना तुम, और ये है तुम्हारा डेडिकेशन? जी, सपने देखता हूँ, तभी तो लीड सिंगर बनूंगा। जैसे कि तुम लिखने के सपने देखती हो, तुम राइटर, मैं सिंगर। सुनो, देवेन आया, इसकी बोल लिखो। Thank you.
Ladies and gentlemen, my name is Devin. Devin Yuvraj. Maaf karna, Beethoven sahab. They think I'm a bad boy. They're right. I am a bad boy. Thoda sa siddhi hu, thoda sa avara, thoda sa pagal, thoda sa nakara. Yani total milakar. I am a bad boy. Yeh hai meri mehbooba, jo sochti hai ki mujhe kuch nahi aata. Na saaz hai, na awaaz hai, par main banunga ek superstar. To jaane man, jaan lo ek raaz, ab suno meri awaaz. आ जा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है. आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है. आबाद का दरिया हूँ, बहता हूँ मैं नीली रातों में. मैं जागता रहता हूँ नींद भरी झील सी आँखों में. चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है. आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है. Thank you.
जहाँ शाम उतरती है, कहते हैं समंदर से एक परी गुजरती है, वो रात की रानी है, सरगम पर जलती है। आ जाओ मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरा दोस्त है। आ जाओ मैं हलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरा दोस्त है। आवाज का दरिया बहती हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागती रहती हूँ नींद भरी झील सी आँखों में। देवेन, नाउ कम ऑन डूड, रिहर्सल इज ऑन, कोरस में खड़े हो जाओ, चलो। डैडी, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हैं? यू नो ना, मैं देव को 5 साल से प्यार करती हूँ और मैं उसे 5.5 साल से नफरत करता हूँ। कैसे? ऐसे। डैडी, डैडी, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसे शादी नहीं करूंगी जब तक आप हाँ नहीं कर देते। मुझे फांसी भी लग जाए तब भी मेरे मुंह से हाँ नहीं निकलेगी। ठीक है, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। गए हफ्ते एक एस्ट्रोलॉजर मिला था मुझे, उसने मुझे कहा कि मेरी मौत खुद खुशी से होगी। खुशी से? खुशी नहीं, सिली गर्ल, खुद खुशी, सुसाइड। डैडी, फिर बच्चों की तरह। ओके, रॉबर्ट, मेरा बैग गाड़ी में रखो। एनी डोंकी मंकी फ्लंकी विल डू बट नॉट हिम। बेटी ही बेअकल हो तो बाप कहां से अकल देगा उसे? डैडी, ये भूत है डैडी, इसे कोई नहीं जला सकता है। देखो फिर आ गया वापस। इसे कहते हैं प्यार का भूत डैडी। एग्जैक्टली, इस घर में इंसान आएगा, भूत नहीं। सो आई डोंट वांट दैट भूत इन माय हाउस। लेट्स गो रॉबर्ट। इनकोरिजिबल सिली बॉय, बैड बॉय। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या सोच रहे हो? कि तुम्हारे शनि डैडी को कैसे ठीक करूं? He hates you. But I love him. Yeah.
कैसे? सर वो कहता है कि वो आपका सन इन लॉ है, आपसे मिलने आया है। Throw him out. Throw him out. Okay. तुम मेरी बेटी के दिल में घुस सकते हो, इस घर में नहीं। Sorry sir, लेकिन मैं ऑलरेडी घुस चुका हूँ। Sir, you're looking very smart, very handsome. Thank you. My innocent child, truth को जानो, खुद को पहचानो। इस घर की एक पेंटिंग की कीमत तुम्हारे 5 साल की आमदनी है। तो, what's the point? The point is, my dear boy, क्या तुम उसे ऐसा घर दे सकते हो? मैं क्यों दूं घर सर, जब उसका घर मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, शादी के बाद ये घर तो मेरा ही हो जाएगा ना, है ना? I always knew you were a bloody con man. What are you saying, sir? Sir, truth को जानो, खुद को पहचानो। आदमी ये प्रॉपर्टीज क्यों बनाता है? अपनी फैमिली, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। तो आपके बच्चों में कौन है? एक अनुष्का और एक मैं। एंड प्लीज डोंट माइंड सर, आपकी एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज आ रही है। कितने साल जिएंगे आप? रॉबर्ट। और फिर आपके जाने के बाद ये पेंटिंग्स, ये जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, मैं सब कुछ निकाल दूंगा। क्योंकि अनुष्का, मेरा और मेरे बच्चों का प्लान ये है कि हम बहुत सिंपल घर में रहना चाहते हैं। इस जगह को हम एक म्यूजिक हॉल बनाएंगे, जहां पे सारंगी, तबले, बोंगो, सीता। रॉबर्ट! तुम डैडी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। क्यों? तुम इतने एरोगेंट क्यों हो? मैं बचपन से एरोगेंट हूँ, तुम्हारे फादर बुढ़ापे में एरोगेंट बन रहे हैं। Shut up, man. He's my dad. अगर डैडी का मतलब नहीं मालूम है तो डिक्शनरी में देख लो। डैडी का मतलब डिक्शनरी में अच्छा लगता है तो वहीं पर रहने दो। डैडी, तुम अपने डैडी को डिक्शनरी में रख सकते हो, मैं नहीं। ही इज माय फादर। व्हाट? ही इज माय फादर। अच्छा, हाँ। देन गो टू योर फादर। गो टू योर फादर। जा, यू लव हिम ना? गो, जा, गेट लॉस्ट। फादर, 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 अरे जाओ ना। डोंट फाइट देवेन। मुझे नहीं, इसे बोलो फादर, 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 फादर लगा के रखा है। One minute. You know what? मेरे डैडी तुम्हारे बारे में शायद ठीक सोचते हैं कि जिस बेटे को उसके बाप ने 12 साल पहले निकाल दिया हो और उस बेटे ने अपनी बाप की शक्ल सपने में भी ना देखी हो, वो बेटा नहीं, वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है, जिसे फैमिली मैन या सन इन लॉ बनने का कोई हक नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो। Get lost. I'm going. पर मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें शादी का मतलब समझना होगा, नहीं तो समझ लो कि मैं भी तुम्हारा पास्ट हूं। अनु, अनु, देखा, ये लड़की एक दिन मेरा पास्ट बनेगी। तुम उसे गलत समझ रहे हो देवेन। गलत? किसे पता नहीं कि मैं अपने फैमिली के झूठे बनावटी रिश्तों को नहीं मानता। कम ऑन देवेन, फादर का रिश्ता बनावटी कैसे हो सकता है? होता है, मेरी फैमिली में, मेरी कहानी में होता है। आपको पता है मेरे फादर कौन है? मेरे फादर लंदन के टॉप रईसों में से, और उनका बेटा यहां पर एक किराए के मकान में रह रहा है, किराए की मोटरसाइकिल चला रहा है। कभी उस आदमी ने मुझे फोन करके पूछा कि बेटा कैसा है तू, क्या है तेरी स्ट्रगल, तू जीरा या मर गया? मुझे अनुष्का ने तुम्हारी कहानी बताई है। अच्छा, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताई होगी। मेरे ग्रेट फादर ने दो शादियां की थी। पहली शादी रुचिता शर्मा, जिन्होंने उनको एक बेटा दिया, ज्ञानेश, आधा सादा आधा पागल। रुचिता मां की डेथ के बाद डैडी ने मेरी मां से शादी की, उनसे उन्हें दो अनमोल रत्न मिले, मैं और डैनी। हर वक्त मेरे ग्रेट डैडी, ज्ञानेश युवराज, ज्ञानेश युवराज, ज्ञानेश युवराज। जेलस में मैंने एक दिन ज्ञानेश की खूब पिटाई की। आपको पता है मेरे ग्रेट डैडी ने क्या किया? उसी दिन मुझे सीधा बोर्डिंग स्कूल ट्रांसफर कर दिया। उसी दौरान मां चल बसी थी।
माँ बाप के प्यार के बिना बड़ा हुआ हूं मैं। जब 14 साल के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आया, ज्ञानेश और मुझ में फिर से झगड़ा हुआ। मैंने उसे मारा, मेरे फादर ने मुझे मारा, और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा तू घर छोड़ के जा। जो मेरे मामा ने मुझसे कहा था बोलने के लिए, मैंने कहा कि डैड मुझे मेरे जायदाद का हिस्सा चाहिए। वो दिन था और आज का दिन है, मेरे फादर ने मुझे दिल, दिमाग, जिगर और जायदाद से बर्खास्त कर दिया। यू नो, 5 साल पहले मैं तुम्हारी इस दोस्त को अनुष्का से मिला, मुझे ऐसा लगा कि समझेगी मुझे, लेकिन आज पास्ट बुला के गई मुझे। 12 साल से लड़ता आया हूं, आज तक लड़ रहा हूं। व्हाट्स द की फर्क बंदा, फैमिली बने बने, ना बने ना बने, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। ओह इट्स नॉट गुड। मैं तुम्हें अकेले जीने दूंगी, तब ना पास्ट की बिटरनेस लेकर अपना फ्यूचर क्यों खराब करें। तुम अकेले जी सकते हो, आज पहली बार मैंने देवेन की आंखों में आंसू देखे। मैंने उसे लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, रोते कभी नहीं देखा, लेकिन अनुष्का के आते ही उसके सारे आंसू, सारा गुस्सा एक बच्चे की मुस्कुराहट में बदल गया। देवेन, रियली एन ऑब्सेसिव लवर। हेलो 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 हेलो, अरे कद्दू, डॉक्टर बी के बेंटन। ओए बेंटन सर, नो 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 नो, डोंट गेट शॉक्ड बेटा, काम डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, लेट्स टॉक मैन टू मैन। डार्लिंग, मैंने अपनी मिस्टेक मान ली। गुड सर, तुम्हारी मोहब्बत जीती, मैं हारा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऑफ कोर्स सर। थोड़ी सुधर जाओ डार्लिंग। सुधरूं सर, लेकिन आप भी थोड़ा सा सुधर जाओ ना सर। आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। क्या? व्हाट? आज रात मेरे घर पार्टी में आओ और दुनिया को प्रूव करो कि तुम एक बहुत डिसेंट लड़के हो, एक अच्छे घर से आ रहे हो और इवन बेटर घर में जा रहे हो। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही सोचता हूं। आज मेरे साउथ अफ्रीका के पुराने दोस्त मिस्टर एंड मिसेस मेहता के लिए मैंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थीम पार्टी रखी है। तुम उसे सफोकेटेड पार्टी नहीं करोगे ना? ऑब्वियसली नॉट सर। हाउ टू स्टार्ट अफ्रेश विद यू सर, दैट्स अ गुड बॉय, दैट्स अ गुड बॉय। लेकिन ये बात अनुष्का को मत बताना। क्यों? आई वांट टू सरप्राइज हर, माय डी डॉटर। जी अंकल। अंकल, डोंट स्पॉइल इट बाय सेइंग अंकल। से डैड, से डैड, से इट, से इट, से डैड, से डैड, 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 लव, साउंड सो नाइस। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि पार्टी में ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा। यू नो, यू हैव टू वेयर ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई। नोट कर लिया? यस डैड। खरीद लोगे कि भिजवा दूं? खरीद लूंगा सर, पैसे बाद में ले लूंगा। ओके, इज इट ओके? लेकिन आप पी क्या रहे हैं सर? खून का घूट। हेलो डार्लिंग, लेट क्यों आए? किधर, लेट तो नहीं गए? फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, इनसे मिलिए।
ये हमारे करीब के दोस्त है मिस्टर एंड मिसेस मेहता, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े टाइम मर्चेंट्स। नमस्ते। इनके बेटे डैनियल और अनुष्का की सगाई की बात हो रही है, हो चुकी है। डैनियल को देखोगे? Let me tell you, he's such a sweet boy. अपने अनुष्का के ऑर्केस्ट्रा में कोरस सिंगर है, लास्ट रो में खड़े होके गाते ना। बट गरीब है, अनाथ है, जॉबलेस है, गली गली भटकता रहता है, कुत्तों की तरह घूमता रहता है, लेकिन he's such a good hearted boy, I tell you. तो मैंने कहा कि यहाँ आओ पार्टी में, कुछ पैसे कमा लो, isn't that a good idea? So what do you think? तुम जाओ, रॉबर्ट, show him around, give him a tray or something. Come. Do some work. Carry on. I tell you, it's so sad. Poor boy. London में उसका बाप बहुत अच्छा खासा पैसे वाला है, लेकिन उसे घर से लात मार कर निकाल दिया, you know. That's not for you. You carry on. Go. Devan, are you all right? गली गली भटकता रहता है, कुत्तों की तरह घूमता रहता है। Only one chance. Could be you. Could be the lucky winner. Oh no! लेकिन उसे घर से लात मार कर निकाल दिया, you know. Careful, boy. That's a lot of money. I told you not to play. First time, huh? If you don't mind, can I give you an advice? जब छोटे लोग बड़ी टेबल पर खेलते हैं तो वो ऐसे ही मात खाते हैं। वैसे तुम्हें यहां पहले कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? आपकी मंगेतर का मैं हस्बैंड। यू बास्टर्ड। सर, आई नीड टू टॉक टू यू। Officer, are you the guarantor? Yes, I run the International Music and Dance Company here. We work together. I know him well. How you doing, man? Well, acha soya. Excuse me. Acha soya means slept well. Oh, hello, sexy. Okay. I need you sign here. Thank you. Yeah. Welcome. We need your father's name. Why? I'm sorry, we need your father's name. Yogendra Yuvraj Singh. Yogendra Yogendra Yuvraj Singh. Thank you. You can go now. Oh, thanks. अगर तुमने ऐसी बदमाशी फिर से की ना तो देख लेना। Very bad. Adulterated whiskey का नतीजा है, समझ रही हैं आप? Don't you wait? Did you say Yogendra Yuvraj Singh? That's him. Your father's dead. What? It's all here. Full story. London's multi-billionaire leaves behind three sons. Yogendra Yuvraj. Can I see that? Sure. I'm very sorry. Don't be sorry about it. Thank you, man. Thank you, sexy. Thank you, God. Thank you, Dad. Yeah, you keep it. And actually, I'll take it. I'll take it. Come on, sexy.
क्या डैड, आज जब आपकी जरूरत थी तो बिन बताए चले गए। खैर कोई बात नहीं, शिवराज का ताज तो खुद ही पहन लूंगा। ये लेटर क्या है? सर ये मेरा साइन क्या हुआ अग्रीमेंट, जिसमें लिखा है कि अगर तुम 40 दिन में बिलियनर नहीं बने तो मैं अनु की शादी डैनियल मेहता से करवा सकता हूं। ऑफ कोर्स। तुम्हारे फादर की डेथ अभी अभी हुई है और तुम मुस्कुरा रहे हो। सर वो स्वर्ग से धारे हैं, हमारे प्रॉब्लम से दूर चले गए, उनको शांति मिली है और हमको खुशी। आपके इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? I tell you what, तुम्हारे इस बैड ड्रीम पे मैं जरूर साइन करूंगा। Here we go. Here we go. लेकिन मेरी एक शर्त है सर, 40 दिन के अंदर आप अनुष्का और डैनियल की शादी नहीं करवाएंगे। डन डन डन। तुम्हारे डैडी को गुजरे 4 दिन हो गए और तुम्हारे घर से भाइयों ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। देखो ना कितने कमीने हो गए मेरे भाई, उनको पता है कि अगर मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा तो जायदाद का हिस्सा मुझे देना ही पड़ेगा। अभी तक तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन अभी तो मैं लेके रहूंगा, चाहे किसी की जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े। अच्छा लिसन, अपने भाइयों के साथ कोई मारपीट नहीं, कोई रैश हरकत नहीं करना प्लीज। इतना कूल हो के ये गेम प्ले करूंगा कि उनको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन अगर वो कमीने बने तो मैं डबल कमीना बनूंगा, अगर वो शाने बने तो मैं डबल शाना बनूंगा। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट डजंट मैटर, करो ना थिंग, कैसे? डोंट वरी अबाउट अ थिंग। अरे मैं कर रही हूं ना, स्टॉप इट। अरे जल्दी चलो ना, प्लेन मिस हो जाएगा। ये गाड़ी है प्लेन नहीं, और कितना फास्ट चलाऊं? बड़ी बेकार गाड़ी है, लगता है एक और खरीद के देनी पड़ेगी। और सुनो, वो जो पहाड़ी पे जो प्लॉट है ना वो खरीद लेना हम दोनों के घर के लिए, समझी? आपको मालूम है ना कितनी महंगी है वो जगह। आज के बाद दुनिया की हर महंगी चीज मेरे लिए सस्ती होगी। Even, यानी तुम हमारे ऑस्ट्रिया में होने वाले म्यूजिकल शो में हिस्सा नहीं लोगे? कैसे लूंगा, लंदन में जो मेरा फैमिली ड्रामा होने वाला है, I don't know what is going to happen there, यार। Best of luck, युवराज। Thank you, I need that. Devin. ओए। Devin. देर कर दी पर तुम आ गए, you know, तुम्हारा ही नाम लेते लेते ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 12 साल के बाद हमारे बाल गोपाल फिर पधारे हैं। ओह, क्यों याद आ गई अपने पिता की? वेलकम देवेन, वेलकम, आओ आओ, बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक वक्त पर आए हो। घर से निकाली हुई शैतान औलाद को हम युवराज नहीं यमराज कहते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग हाउस। सुनो मेरा आता यहाँ पर कैसा स्वागत किया गया, मामा व्हीलचेयर पर बैठकर चेयरमैन की तरह कहता है वेलकम देवेन, वेलकम, यानी नेवर कम, नेवर कम। उसका पहला बेटा है परम, उदासी का पुतला है, वो कहता है No chance. कि मेरा कोई चांस नहीं साला। उसका दूसरा बेटा है धर्म, खाते खाते कहता है अबे खाने आया होगा खाने। अबे खाऊ, मैं अपने बाप का खाने आया हूं, तेरे बाप का नहीं। परम की पत्नी मेनका की तरह कहती हैं ये भी तो यहाँ के युवराज हैं। है यानी कि विश्वमित्र फंसा। नमस्कार। खूबसूरत है और शुद्ध हिंदी बोलती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जिसे हिंदी अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती।
और कौन है? और सब ना के बराबर है। दो भाई हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए। होल्ड ऑन, ऐसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे। उम्र तो बढ़ती गई, दिमाग वहीं रुक गया। कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फायदा नहीं। एक ही दोस्त है उसका, बाला। Shut up! Shut up! तकिट तकिट तका, 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 shut up! Shut up! तकिट तकिट तका, shut up! Shut up! ताक दिन तका, ताक दिन तका, ताक दिन तका, ताक दिन shut up! बाबा, 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 shut up! गाने का शौक है पर बाकी घर वाले उसे पागल जानवर समझकर पीटते हैं, इसलिए अपने ही कमरे में नौकरों के बच्चों के साथ मस्त रहता है, किसी से भी मिलने से डरता है। ज्ञानेश, पहचाना इसे? देवेन, तुम्हारा भाई। देखो कितने सालों बाद आया तुमसे मिलने। डर गया तुमसे या शायद पहचाना ही नहीं। अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, गॉड ब्लेस हिम। तुम्हारे पापा योगेंद्र इतनी बड़ी संपत्ति के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं छोड़ गए मेरे लिए। चिंताएं? अंकल, आज के बाद आपकी सब चिंताएं मेरी वरीज हैं। क्या आप भूल गए हो? क्या आप मेरे मामा हो? मामा जी। बेटा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। थैंक यू, शुक्रिया मामा जी। काश ऐसी सोच तुम्हारे छोटे भाई डैनी की भी होती। क्यों नहीं है? कहां, देखो ना, इधर उसके पापा का चौथा पूरा हुआ नहीं, क्यों अपने हिल्टन कैसीनो चला गया। That's a big no-no. और कल दोपहर को क्या है? कल दोपहर को? कल दोपहर को कंपनीज के वकील सिकंदर मिर्जा तुम्हारे पापा की वसीयत पढ़ने वाले हैं। तो उसमें डैनी का और हम सबका होना जरूरी है। बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? हाँ बोलिए ना मामा जी। बेटा तुम डैनी के पास चले जाओ और उसे मना कर किसी भी तरह यहां ले आओ। अपने बाप के बेशुमार दौलत के जहाज में बैठकर आसमानी हवाओं में उड़ रहा है। जमीन क्या चीज है उसे मालूम ही नहीं। You know you want me. Get on the floor.
रोज यहीं पर आना जब सूरज वापस जाए, आधा दिन हो आधा ओ आधी रात के साए, रोज यहीं से जाना जब सूरज शाम नहाए, डूब रहा हो आधा पानी में गोटे खाए, पानी में गोटे खाए। उतरो तो पाँव पे चलना होगा, धूप में पाँव जलेंगे तो छाँव में चलना होगा, होश का पानी छिड़को मदहोशी की आंखों पर, अपनों से मत उलझो तुम घरों की बातों पर, उड़ के तो देखो ऊंची उड़ानी मिट जाएगी हसरत सारी सारी सारी, जिंदगी कोई जुआ नहीं है जिसने लगाई बाजी हारे हारे हारे, प्याला प्याला मैं का प्याला, प्रॉब्लम है। अगर तुमने अपने बड़े भाई को नहीं पहचाना इसका मतलब तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। या यू आर राइट। ओह हाय, यू आर जी, तुम कोरस डांसर हो ना मेरे साथ? जी, कोरस डांसर भी हूँ और साथ साथ इनका बड़ा भाई भी। और इस कोरस में क्यों अटप का है ये भी मुझे पता है। मींस ये पापा के लिए नहीं, पापा की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगना है। एम आई राइट? I think so. मैंने कब ना कहा। Good. फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पापा की प्रॉपर्टी का 100% मालिक मैं हूँ। जी हाँ, मैंने कब ना कहा। लेकिन अगर आपकी चुमाचाटी खत्म हो गई हो तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। क्योंकि कल सुबह सिकंदर मिर्जा अंकल के यहाँ पापा की विल खोली जा रही है। विल? विल। I welcome you all. मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट लॉर्ड जोगिंदर युवराज सिंह अपने देहांत से पहले अपनी विल छोड़ गए हैं, जिसकी एक कॉपी आपके सामने है। इसे आप यहां या घर जाकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह विल पढ़ने से पहले मेरे मन में दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल, क्या आप सब मेरे क्लाइंट जोगिंदर युवराज सिंह को अपना पिता या पिता के समान मानते हैं? मतलब ये कि ध्यान के बाद आप लोग जिस तरह से टीवी पर कसीदे कस रहे थे, आंसू बहा रहे थे, क्या आप सच में उनका उतना आदर करते हैं? What is this question? मिर्जा भाई, हम आज उनका आदर पहले से ज्यादा करते हैं। ग्रेट ग्रेट। अब मेरा दूसरा सवाल, मान लीजिए कि योगेंद्र युवराज सिंह ने आप लोगों में से किसी को भी एक पाई नहीं दी तो क्या आप उनका उतना ही आदर करेंगे? दौलत और पैसे का प्यार और आदर से क्या ताल्लुक है मिर्जा भाई? ताल्लुक है ओम जी, ताल्लुक है।
पैसे और आदर का ताल्लुक बहुत करीब का होता है, जो हम दिखाना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स, मैं उनका बेटा हूं। ये भी कोई सवाल हुआ? जी, करता हूं। योगेंद्र युवराज सिंह की जायदाद की कीमत इंडियन रुपीस में करीब 15,000 करोड़ रुपए है, कि ताकि आप लोगों में से कोई भी बेसहारा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सभी को 5-5 करोड़ रुपए देने की इच्छा जाहिर की है। पांच? यस, 5 करोड़ पर हेड। यानी कि ये सारे रिश्तेदार? आप भी। इस विल में सभी रिश्तेदार हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो कौन? गणेश कुमार योगेंद्र युवराज सिंह, और उन्होंने उनकी पूरी जायदाद गणेश कुमार के नाम कर दी है। गणेश जी, आपके बड़े भाई। अभी आप लोगों से मुझे दो और जरूरी बातें करनी है। गणेश की सिक्योरिटी का क्लॉज, अगर किसी भी वजह से गणेश की नेचुरल या अननेचुरल डेथ हुई, या मर्डर या एक्सीडेंट, तो यह पूरी जायदाद ऑटोमेटिकली किसी चैरिटी ट्रस्ट में चली जाएगी। और गुड न्यूज यह है कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे मामा जी, ओम प्रकाश जी। सब समय अनुसार होता है। एक बात और, गणेश का पिता अभी तक मरा नहीं, मैं सिर्फ उसका वकील या ट्रस्टी नहीं, अब उसका पिता भी हूं। अगर कोई भी बुरा ख्याल गणेश के लिए या व्हील को तोड़ने के लिए आया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिकंदर मिर्जा अभी जिंदा है। थैंक्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। योगेंद्र युवराज सिंह की आखिरी ख्वाहिश, हिज लास्ट विश, मेरे मरने के बाद मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूं। बुलशिट मिस्टर मिर्जा। बच्चों को मारकर बच्चों को खुश देखना चाहते हैं? दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई नीड टू टॉक टू यू मिर्जा अंकल। आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ। पीटरसन, मेक हिम अंडरस्टैंड। दिस इज रॉन्ग मिर्जा अंकल। हट। This is absolute bloody fraud and you know it! Tagdin, 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 bala! Ganesh! Ganesh! Ganesh, bahut pitai hogi tumhari. Arre, hum tumhe kamre mein band kar denge, Ganesh! ये क्या हो रहा है? निचाओ, निचाओ, कम डाउन। चलो, चलो बाले, चलो, अपने कमरे में चलो सब लोग, चलो, चलो तुम लोग, चलो बेटा। Congratulations. 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 Sir? Sir, are you all right? मैं पापा की विल की इज्जत करता हूं। झूठ बोलता है तू। और तुम? मुझे तो सिर्फ जायदाद का हिस्सा चाहिए। चाहता तो वो मैं भी। चीयर्स।
सारी दौलत हमारी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। 50% मेरा, 49 तेरा और 1% ज्ञानेश का। Done. Done. It's a deal. All the best. तुम जानते हो ना ज्ञानेश, पापा मरने से पहले 3 महीने आईसीयू में थे और तुम 24 घंटे उनके साथ हॉस्पिटल में रहते थे। These bloody lawyers are eating my head out. कहते हैं कि पापा के वकील सिकंदर मिर्जा ने इस घर के सभी कानूनी पेपर्स उल्टे सीधे कर दिए। हम सबको घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। ऐसे कैसे? ऐसा ही है ब्रदर, वो वकील लोग तुमसे सिर्फ मिलना चाहते हैं, गवाही लेना चाहते हैं कि पापा की लास्ट 3 महीनों में उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। दिन को कहते थे कि इतना अंधेरा क्यों है और रात को कहते थे कि इतनी धूप क्यों आ रही है कमरे में। कभी कभी ये भी बोलते थे कि गांधी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हाँ केना, पापा की तबीयत खराब थी कि नहीं? कभी कभी कुछ भी बोलते थे, धूप, गाय, पियानो, लुधियाना। पर पापा तो बस यही कहना उन लॉयर्स के सामने। देखो ज्ञानेश, तुम इस घर की सुख शांति चाहते हो कि नहीं? तो कह दोगे? दैट्स गुड, यू आर अ गुड मैन। बिग बॉस, प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुआ? अनुष्का के डैडी अनुष्का और डैनियल की एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। तुझे कैसे पता? अरे भाई कल रात को पार्टी रखी उन्होंने। अरे यार मेरे ही डांस ग्रुप को एंगेज किया है। तू 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 जल्दी आ जा यार। पूछिए। वेल मिस्टर ज्ञानेश, आपके पिताजी जब अस्पताल में अपनी वसीयत लिखवा रहे थे, क्या उस वक्त वो बहुत बीमार थे? हॉस्पिटल में बीमार आदमी तो रहते हैं। यानी कि उन दिनों वो कुछ उल्टी सीधी वियर्ड बातें क्या करते थे, जैसे कि धूप, पियानो, गाय, लुधियाना? नहीं, वो तो राम जी, गांधी जी, टैगोर जी की बातें करते थे, गुड गुड बातें करते थे, है ना? गुड गुड। आर यू श्योर कि आपके पिताजी पागल नहीं थे? पागल होंगे आप, हाँ? लेकिन ज्ञानेश, तुमने तो मुझे कहा संडे को कि पापा की हालत एकदम। मैंने नहीं, वो तुमने मुझे इनके सामने कहने के लिए कहा था, पर वो सच नहीं है। सच नहीं है? ये सच नहीं है? You mean to say I'm lying? Peter, just hang on a second. You got to understand this, Danny. ज्ञानेश की गवाही के बगैर we don't have a case, right? Shall we? What's wrong with you, man? You gone loco? I'm sorry, Danny. I can't do Peter, anything. Just hang on a second. Sorry, I need to talk to you guys. Peter. Ladies and gentlemen, this is not a great party of 1,000 people, but it is a small party of a few great people. Anu, Devin ki koi khabar? क्या कहूँ? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। Mr. William Anderson and my partners and family friends, Mr. and Mrs. Mehta from South Africa, give them a big hand. And of course, their one and only brilliant and handsome son, Daniel. quite. Thank you. Family friends, इसलिए कि 30 सितंबर के बाद Daniel मेरा जमाई बनेगा और मैं उसका father-in-law. Thank you, Mom. Thank you. Cheers, eat, drink, make merry, and dance, ladies and gentlemen. Excuse me, Daddy. Yes, darling? Can I talk to you for a minute? What nonsense, Daddy? This is not nonsense. This is serious. You can't be. आप अभी जाके माइक पे अनाउंस कीजिए ये सब मजाक था। ये मजाक नहीं है। तो फिर मैं माइक पर अनाउंस करती हूँ। सुनो, तुम्हारा हीरो ये गेम हार चुका है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 30 सितंबर के बाद मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। मुझे नहीं देखना आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट और मैं इस पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। आई एम लीविंग। लिसन, जाओ तो फिर उधर माइक जाके पकड़ो और तुम्हारा जूता अपने बाप के सर पर मारो और सबके सामने बोलो माय फादर इज अ वेरी चीट एंड अ विलन। गो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। एम आई अ ब्लैकमेलर? हां। एम आई अ फूल? हां। अगर तुम ये पार्टी छोड़कर गई तो मैं वहां जाऊंगा और अपना जूता अपने सर पर मारूंगा।
Daddy, you're ruthless. Is everything okay, Pa? Pa? Khushi ke aansu. Tears of joy, happiness. But I saw her crying. Apne baap ka ghar chhod ke jayegi, you know, that Indian bride thing and all that. Come on, come on, let's enjoy. Come on, cheers everybody, let's go. Cheers, sir. Cheers. Cheers. धर्मस्तम धरिंद बिंद धर्मस्तम अस्त हस्त गर्मस्तम धर्मस्तम हे मस्त मस्त धर्मस्तम धरिंद बिंद धर्मस्तम अस्त हस्त गर्मस्तम धर्मस्तम आए जी बाके आए हस्तम मस्तम ओ डंके बजाते आए रुस्तम शुस्तम हा में पहुंचाल है पैरों में पाताल है दिल का अहवाल लेके आए बिल्ली की खाल है चीते की चाल है धम धम धमाल लेके आए और रुस्तम आया सा सुरंगों से मैं छुप छुप के यूं लेने आया मस्त मस्त धर्मस्तम तर बिंद बिंद धर्मस्तम अस्त हस्त धर्मस्तम धर्मस्तम बढ़ेगा मामला बढ़ेगा कचहरी लगेगी मुकदमा चलेगा शनि जब टलेगा तो दुश्मन चलेगा कभी तो दूर होंगी दूर या दिल की मोहब्बत तो जहाँ धुआं बुआं उठे वही होती है जहाँ अगन लगन वगन लगे वही होती है मस्त मस्त धर्मस्तम धरविंद बिंद धर्मस्तम अस्त हस्त कर्मस्तम धर्मस्तम बरसों कहानी लिख के सुबानी हो कहेगा जमाना हो सुनेगा जमाना कोई तो राज है वो सुनते हैं नाराज है उनको आवाज देने आए दुनिया में नाम है पर लोगों में बदनाम है शादी का पैगाम देने आए आए जी बाके आए हस्तम कुछ भी करेगा कभी तो दूर होंगे दूरियां दिल की
मोहब्बत जहाँ धुआं हुआ उठे वही होती है, जहाँ अगन लगन वगन लगे वही होती है। आए जीवा के आए हस्तम मस्तम, ओ डंके बजाते आए रुस्तम शुस्तम। मेरे में भौचाल है, पैरों में पाताल है, दिल का अहवाल लेके आए। बिल्ली की खाल है, चीते की चाल है, थम थम धमाल लेके आए। जाओ कि तुम कभी युवराज थे। गैरिश ने पीटर पटेल के सामने सारा केस उल्टा कर दिया। सामने हाँ करके सबके सामने ना कर दी, धोखा दिया तूने मुझे। डैनी, धीरज डैनी। अरे धीरज आप रखे मामा जी, ये साला पागल बनके सबको उल्लू बना रहा है। टिमेलो आंटी मुझे ये पता नहीं है, टिमेलो आंटी मुझे वो पता नहीं है। धैर्य डैनी, क्या करेगा हा? मेरे बाप का पैसा खुद खाएगा और हम सबको कुछ नहीं देगा। बोलो डैनिश, बोलो। You wanna get me on the freaking road, don't you, Ganesh? Bala! That's what's gonna make you happy, huh? Bala! Bala! Get lost! Huh? Bala! Screw you, man! This is my property! Come on! Danny! Doc! ये एक छोटा सा इशारा था तेरे लिए और इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए, कि अगर आज के बाद किसी ने मेरे राम जैसे भाई पर हाथ उठाया तो वो मेरा दुश्मन बनेगा। टिमेलो आंटी, ज्ञानेश को अपने कमरे में ले जाइए। हेलो, हाँ। यू चीट, यू फ्रॉड। पार्टनर बनाकर माल खुद अंदर करना चाहता है, उसके सामने भैया बुलाकर मुझे विलेन बनाना चाहते हो। Why don't you get the hell out of my house now? What? क्या? कैसे हुआ? It's impossible. ये बात कर, सुन। डैनी, 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 तुमसे बड़ा इडियट मुझे अभी भी मिलना बाकी है। मैं तुम्हारी बिगड़ी हुई गेम बना रहा था,
ज्ञानेश को गरम धमकियों से नहीं बल्कि नरम नरम झलकियों से उसे अंदर करना पड़ेगा। स्टूपिड, ये नाटक जरूरी था। अगर तुम्हारे वोट बिगड़े तो मेरे वोट बने। वी आर पार्टनर्स नॉट ब्रदर्स। प्रशंसा करती हूं मैं आपकी। काश मेरा भी कोई ऐसा पार्टनर होता। सुकामना जी, आप गलत नंबर लगा रही हैं। मैं कैरेक्टरलेस जरूर हूं लेकिन इतना भी लेस नहीं। सुनिए। सुनाइए। जब कैरेक्टर लेस हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। जरूर। जिंदा होते तो ये कभी मेरा बर्थडे नहीं मनाते थे। अब देखो बहुत डर लग रहा है मुझे मेरे अंकल। पापा ऐसा क्या कर गए थे कि ये सब? पापा के होते तो ये सब मेरे पास भी नहीं भटकते थे। देखो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम गुड रहा है मेरा मेरे अंकल। मैं कल आकर आपके पास रहूंगा। सबके सब झूठे हैं। नहीं वो ऐसे झूठ 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 नहीं ज्ञानेश, तुम ठीक कह रहे हो। ये सब लड़ी स्वाइंस हैं, फ्रॉड्स हैं। पता नहीं तुम इन लोगों के साथ कैसे रहते हो। मैंने ये तय कर लिया ज्ञानेश कि कल मैं यहां से जा रहा हूं। कहां? अपनी संगीत की दुनिया में जहां सुंदरता और ईश्वर रहते हैं।
ऑस्ट्रिया। अपना ध्यान रखना ज्ञानेश। ओके। सुना ना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर गॉड से ज्ञानेश। ठीक है ठीक है। तुम्हें पता नहीं मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हारा भाई होने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हैं ज्ञानेश। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बोल दी। घबराना नहीं, मैं आज नहीं कल जा रहा हूं, शाम को 6:30 बजे। सुनता ही नहीं। सुंदरता है, जहां स्वर्ग है। नहीं, तुम्हें इसी दुनिया में रहना है जहां मामा जी हैं, जहां मिर्जा अंकल हैं और जहां डैनी है। लेकिन तुम मेरे भाई हो ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें यहां छोड़ जाऊंगा। अब बोलो। अब क्या बोलूं? 6:30 बजे तैयार रहना। Yan, let's go, come on. Pant niche pehna karo, kya upar pant pehnte ho? Devin! Hi. 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 Hi, Anu ji. Annu, please meet my big brother, Gyani. Annu, for you. Hi. मुझे आपके बारे में फोन पे सब बताया है। Welcome to Austria. और आप अनुष्का हैं? जी। प्राग ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियन? जी। और इनकी कॉलीग? कॉलीग? कॉलीग और उसके साथ फ्रेंड्स भी। फ्रेंड? जी हाँ, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। फ्रेंड? फ्रेंड्स, 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 फ्रेंड्स। देवन, तुमने सच ही कहा था, इस धरती पर संगीत और सुंदरता का सुर है। चलें? चलो। हाँ। मजा आएगा। मेरा बैग ले आना, चलिए। बैग ले? यहाँ साइलेंस बहुत है ना। सुना है आप इंडियन क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं। गाता हूँ, पर सुनता कोई नहीं है। हम सुनेंगे ना। रियली? क्यों नहीं, सुनाऊंगा। आप सुबह उठकर पूजा करती हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ नहाने के बाद। नहाने के बाद? नहाने के बाद मैं भी पूजा करता हूँ। अच्छा? हाँ। आपकी फेवरेट गेम? मेरी फेवरेट गेम? स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स एंड लैडर्स? स्नेक्स एंड लैडर्स मुझे भी बहुत पसंद है। गुड 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 गुड। आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ मेरे पापा, बस। मेरे तो पापा भी नहीं है। क्यों, कोई और नहीं है? नहीं, बस मैं और मेरा दोस्त बाला। अब हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। गुड 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 गुड।
ज्ञानेश देवेन के साथ रातों रात विदेश चला गया और हमें मालूम ही नहीं। अरे मामा है मुनके। सर वो मिर्जा अंकल की परमिशन लेकर गया है। मिर्जा अंकल वकील हैं, मुर्गे लड़ाने का शौक रखते। एक मुर्गा देवेन, एक मुर्गा डैनी। डैनी इज अ फाइटर, ब्रेव फाइटर। यू आर अ स्टूपिड फाइटर बट अ सेक्सी वन। लव यू टू बेबी। तुम स्टूपिड हो लेकिन तुम्हारा भाई स्टूपिड नहीं। Why? वो गणेश का 100% शेयर हजम कर लेगा। आई बेट। हाँ पार्टनर। शाजिया कह रही थी कि सोनी की मुर्गी बिन बताए ले गए। हाँ यहाँ पे अंडे दे रही है, खाओगे? अकेले खा रहे हो पार्टनर? मुझ पे भरोसा किया है? Now trust me and don't call me, I will call you। और तुम यहाँ पे नहीं आओगे। I tell you David is a crook। मैंने डैडी को बताया नहीं कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा किया। अब एक और अच्छा काम करो, अपने मोरिन के ग्रुप में बहुत सारा वक्त गुजारो। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज करवाने लाए हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी हेल्प करोगी तो मेरी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। अरे क्या? नो, कोई सवाल मत करो मुझसे, अभी जाओ बस। अभी तुम कभी मुस्कुरा नहीं सकते? नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। देवन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना। तुम कहाँ गए थे? तितली पकड़ने। ये देखो। वाओ। जिसमें लिखा कि अगर तुम 40 दिन में बिलियनर नहीं बने तो तुम अनुष्का की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे। और मैं तुमसे एक बात फिर रिपीट करती हूँ, डैडी परमिशन देंगे तो ही मेरी शादी तुमसे होगी।
पाती हूँ तेरी आँखों में, तेरी आँखों में कोई तो जादू है। तू मुस्कुरा, जहाँ भी है तू मुस्कुरा। You wanna sing? Yes, yes, yes. Come. क्या गलत है? गलत है यानी के गलत है। क्या गलत है? फिर वही। वो तुम्हारा भाई है, उसका इलाज करवाने लाए हो तुम, और मैं देखती हूँ वो एक म्यूजिक लवर भी है। अरे लवर है, और यही तो प्रॉब्लम है कि वो एक लवर है। क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम दोनों भाइयों को करीब लाना चाहती हूँ। तुम उसे भटका रही हो। मैं यहाँ पे उसे किसी दूसरे मकसद, तुम उसे अपने म्यूजिक ग्रुप से दूर रखो। पर वो हमारे म्यूजिक में मैजिक क्रिएट कर सकता है। Can't you see he's a genius? हाँ वो genius है और मैं stupid. No, you're jealous. Jealous भी. You're insecure. हाँ insecure भी. Selfish. हाँ हाँ selfish भी और कुछ. Indian, Indian. Classical, classical. Good, 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 na? Excuse me, who's the driver of this car? What's the matter? This car has dashed against another car and the driver went away. So? We want to arrest the driver. Are you the driver? Yes, it's me.
Okay, then come with us to the police station. Come, come. Slowly. Hello? Hello, Mr. Devin? Yes? आपका भाई ज्ञानेश पुलिस कस्टडी में है. उन्हें कार एक्सीडेंट केस में अरेस्ट किया गया है. आप प्लीज बोल्सर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जल्दी रिपोर्ट कीजिए. I'll be there. You mean to say it was not his car? Yeah. I was driving the car. The car's on my name. He wasn't even there at the time of the accident. Come. Then why did he not tell us this? He's my brother. So what? Yeah. He's an Indian brother. Ah. He loves me. He's unwell. Okay. Mm. चलें पिताजी. मुझे मालूम है भैया कि आप मुझे माफ तो नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं. इसमें मैंने आपके पापा के, हम सब के बचपन से लेके आज तक के सभी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, गाने सब भर दिए ताकि आप इसे अपने पास रख सको. ये मेरे लिए? हाँ, आपके लिए. इसे देखकर मुझे अपने दोनों भाइयों की बहुत याद आई, तो यहां चला आया अपने दोनों भाइयों से माफी मांगने. डैनी. हाय देवन. ज्ञानेश. हाँ? माफी मांगने वाले दो किस्म के लोग होते हैं. एक जो माफी मांगकर गलती दोबारा नहीं रिपीट करते, और दूसरा जो कि माफी मांगकर आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं. मैं पहले वाला भाई हूं. और मैं दूसरा वाला जो आगे की लड़ाई देखता हूं. इट्स नॉट दैट ब्रदर. भाई क्या होता है ये मुझे अब पता चला. भाई क्या होता है मुझे अभी भी नहीं पता चला. और पता भी नहीं चलेगा. सुना है कि भाई भाई नहीं होता, पार्टनर होता है. पार्टनर. लेकिन कहीं पार्टनर भाई बनकर चाल खेले तो? तो उसे भाई भाई नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं ज्ञानेश? चालबाज, बाजीगर, खिलाड़ी. कसीनो के खिलाड़ियों में पड़ा हुआ ये तुम्हारा भाई. आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बस भाइयों के शिकवे शिकायतें दूर कर रहे हैं. अरे ज्ञानेश, मैं तुझे बोलना भूल गया. हमारा छोटा है ना डैनी, सबसे छोटा भाई है ना, दिन रात मुझे ये फोन करता है, माफी मांगना चाहता है तुमसे. तुम इसे माफ नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा माफ? अब शायद इसको पता चल गया होगा कि रिश्ता रिश्ता होता है. जी, इसलिए तो रिश्तों की इतनी बड़ी फाइल लेके आया है इसमें. जी. थैंक यू बोलो. थैंक यू. उसको. थैंक यू. लव यू. लव यू. एक किस करो. किस. जोर से गले लगो. जोर से. डैनी. बस. डैनी, अब भाई को दो चार दिन घुमाओ, खिलाओ, पिलाओ, गले लगाओ, और फिर मुझे बाद में बताओ कि तुम्हारे गले का क्या हाल है. हाय भैया. वो क्या है? हवा में उड़ता आदमी. तुम भी हवा में उड़ते थे ना, मामा कहते थे. उड़ता था भैया, लेकिन पापा ने धरती पे चलना सिखा दिया. पापा बहुत अच्छे टीचर थे, सबको सिखाते थे. मुझे बहुत सिखाया भैया. हेलो लुई टैंग. हे, व्हाट्स अप माय गॉडफादर? बीन अ लॉन्ग टाइम माय फ्रेंड. आई जस्ट अ सेक. बॉब, भैया को हिलव्यू रेस्टोरेंट पे ले जाइए ना, मैं जरा बिजनेस की बातें करके आता हूँ भैया. ओके. या मेट, आई विल श्योरली कॉल यू बैक दिस वीक. ऑलराइट मैन, आई कॉल यू बैक. डैनी, इफ यू थॉट दिस वुमन वुड एवर लीव यू, यूड बी स्टूपिड. हाउ द हेल आर यू हियर? बिकॉज़ लोग तुम्हारी ड्यूज के लिए मुझे बातें करते हैं. कम हियर यू लिटिल पसी कैट.
ज्ञानी ज्ञानेश, अरे पागल हो गया क्या? मजा आ रहा है मजा। अरे बाप, अबे कहाँ है तू? अबे दीपू यू इडियट, ये वहां कैसे गया? तुम लोग तो हिलव्यू रेस्टोरेंट जा रहे थे ना? यार मैं क्या करता, वो जिद कर रहा था। अबे अगर इससे कुछ हुआ ना तो सिकंदर मिर्जा मुझे तबाह कर देगा। I'll be finished. क्या नहीं? मेरी फोटो लाना प्लीज। मैं आ रहा हूँ। ये साला देव के चक्कर में मैं खुद मर जाऊंगा। राम जी का उड़ने कटोला है। बेस्ट ऑफ लक पार्टनर। ये भारतीय संस्कृति का बोझ तुम अपने पास रखो देव। वो पागल अगर मर जाता तो हम दोनों मर जाते। क्यों? आए तो बड़े शौक से थे, पैंट ढीली हो गई। यू नो यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय देव। रियली? तुम चाहते थे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और मेरे हाथ से हो जाए और तुम 100% प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ, यही चाहते थे ना तुम? यस, यही चाहता हूं मैं, 100% प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं, क्योंकि मैं ये प्यार से कर सकता हूं और तुम नहीं। ये कोई कैसीनो की गेम नहीं है, ये भाइयों की लड़ाई है। सो लेट मी डू माय वर्क एंड यू बैक ऑफ। चढ़ गई यार। देवन, ये क्या है? बियर। पापा भी ये बियर पीते थे। अच्छा। और सबको डियर कहते थे। एक बात सच सच बताऊं? बताओ। तुम मेरे भाई हो ना, तो सच कहने को मन करता है। पहले आप बताओ, उसके बाद मैं आपको एक सच बात बताता हूं। पहले तुम। बड़ा कौन है? हाँ, बड़ा तो मैं हूं। तो फिर आप पहले बताओ। वो अपनी अनुष्का है ना, अनुष्का, उसे देखकर मुझे कुछ होता है। कहाँ होता है? बस वही ना। मैंने सच बताया तो तुम क्यों चुप हो गए? हाँ, आप बड़े भोले हो भैया। भोले लोग ये शादी नहीं होती क्या? होती है। मैं आपको एक बात सच बताऊं? अब बताओ। पहले एक घूंट पियो, एक और। अनुष्का आपकी होने वाली भाभी है। मेरी शादी अनुष्का के साथ होने वाली है। ये खेल, ये मजाक, ये तमाशा, ये सब उसी के लिए हो रहा है। तुमने मुझे पहले ही दिन अनुष्का के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे अभी बता दिए ना। घर चलो। ओ प्राजी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ज्ञानेश जी, सब कुछ सच सच बता दिया, घर चलो। मैं घर नहीं चलूंगा जब तक तुम मुझे अंदर की बात नहीं बताओगे। अंदर की बात सच सुनना चाहते हो? तो सुनो, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, तुम्हें धोखा दिया है। क्यों, किस लिए? क्यों किस लिए? इसलिए कि आपके पास पैसा है और मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए। पापा के विल के मुताबिक सारी जायदाद आपके पास और हमारे पास। युवराज जी, आप युवराज हैं, उत्तराधिकारी हैं, और वो सिकंदर मिर्जा मालिक है। मिर्जा अंकल? आपके मिर्जा अंकल जिन्होंने ऐसे कागजात बनाए हैं
कि हम हमारे हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। बट व्हाट इज देयर की फर्क पड़ता। ये क्या हो रहा है मिर्जा अंकल? हाँ, जब कोई शरीफ इंसान स्वर्गवासी हो जाता है तो क्या उसके बच्चों को नरक में भेज देते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिर्जा अंकल, ये कागज वागज आप जैसे वकील लिख सकते हैं, मेरे पापा नहीं। जो कुछ भी है हम सब भाइयों को बराबर से मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे? वाह जी वाह, जब मेरे भाई अच्छे होने लगे, मेरे करीब आने लगे, तो आप उन्हें मुझसे छीन रहे हैं। That's not fair, uncle. That's not fair. ये कागज वागज आप सब बदल दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। ये कागज के टुकड़ों से परिवार नहीं खड़े होते हैं, दिल के रिश्तों से होते हैं। हाँ, मैंने पी है, बहुत पी है, और देवन के साथ बैठकर पी है, और देवन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं मिर्जा अंकल, अच्छा नहीं कर रहे हैं, बोल रहा हूं मैं। Call you back. अंकल, अंकल नहीं, अटॉर्नी सिकंदर मिर्जा। बैठिए। शॉक लगा? ये भूत कहां से आ गया? सिकंदर मिर्जा ऐसा ही आदमी है, लंदन से फ्लाइट पकड़कर सीधा तुम्हारे पास आया है सिर्फ एक बात बताने के लिए। मेरी आंखों में देखो, मेरी बात सुनो, समझो। जो खेल तुम खेल रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, और अगर खतरनाक नहीं है तो सिकंदर मिर्जा उसे खतरनाक बना सकता है। आज के बाद अगर तुमने गणेश को शराब पिलाने की कोशिश की या कोई भी गेम खेला तो मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगा। आई हैव द पावर, पावर मेरे पास है। बाकी तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो, और थोड़े क्रूक भी। बाय। तुम्हारा फादर मेरा जिगरी दोस्त था, ही वॉज अ गॉड्स गुड मैन। इसलिए अंकल होने के नाते मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। तुमने सिर्फ गणेश की जेब देखी है, उस जेब के पीछे एक दिल है, उसे कभी नहीं देखा। कभी उसमें झांक कर देखो दोस्त, बहुत मजा आएगा। भाई भाई होता है देवेन, एक बार भाई को दिल से गले लगा कर देखो, आंसू निकल आएंगे, वो भी गणेश जैसा भाई। देवन, बचपन में ऐसी नीली तितली हमने कांच की बोतल में बंद की थी, है ना, और पापा को दिखाई थी। मालूम है इसमें पापा का गाना भी रिकॉर्डेड है, हम सबकी फोटो और पापा की भी। देखोगे? गणेश, ये तुम्हारे पापा हैं, मेरे पापा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई हो ना। ला, मैं तस्वीर डिलीट कर देता। नहीं नहीं ऐसा, तुम गुस्सा हो ना, लेकिन तुम गलत हो। आखिरी दिन में पापा तुम्हें बहुत याद करते थे, रोते भी थे, कहते थे कि देवन चला गया, मेरा पूरा परिवार टूट गया, सब दूर हो गए। ज्ञानेश, जो रिश्ते टूट गए वो टूट गए। देखो अब सिर्फ मैं और तुम यहां पर हैं, यहां पर सिर्फ तुम्हारी मेरी बातें चलेंगी। लेकिन नो पापा, नो फादर, नो पिता, नो डैडी, प्लीज मेरे लिए। ओके, Z105.
जिंदगी जिंदगी क्या कमी रह गई आंख की कोर में क्यों नमी रह गई जिंदगी जिंदगी क्या कमी रह गई आंख की कोर में क्यों नमी रह गई तू कहाँ खो गई ज्ञानेश की मेंटल केस हिस्ट्री जो मेरे सामने आई है इट्स अ केस ऑफ ऑटिज्म उसकी दिमागी ग्रोथ बचपन में ही रुक गई थी लेकिन डॉक्टर साहब जब ज्ञानेश गाता है तो इट्स कॉल्ड जीनियस डिसऑर्डर क्या जीनियस डिसऑर्डर उसे हम विलियम सिंड्रोम कहते हैं ऐसे लोगों का म्यूजिक टैलेंट एकदम अलग तरीके का होता है उस पर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं उसे गा सकते हैं ऐसे लोग बहुत सिंपल होते हैं इनका रुपीज डॉलर्स पाउंड से कोई रिश्ता नहीं होता सब समय अनुसार ही होता है बच्चे 30 सितंबर को तुम्हें इस घर से निकलना होगा क्योंकि ये घर अब सिर्फ ज्ञानेश के नाम से है किसी और के नहीं हमारे भी नहीं हम तो सिर्फ एक ट्रस्टी हैं यानी कि आप कहना चाहते हो कि मैं अपने घर से निकल जाऊं दिस इज माय हाउस माय फादर्स हाउस आई एम ज्ञानेश शुभराज सिंह गॉड डैम इट सत्य को स्वीकार करो डैनी ड्रिंक कितनी फनी बात है ना सुकामना कि ये बात तुमसे सुननी पड़ रही है दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्ट ये ना इंसाफी है मैं भी उनका बेटा हूं मिर्जा अंकल करोड़ों का कर्जा है मुझ पर मेरे सिर पे बंदूक है आप चाहते हो कि मैं सड़क पे आ जाऊं आपको कुछ करना ही होगा मिर्जा अंकल यू हैव टू हेल्प मी आउट Danny, hi, how are you? This is my new boyfriend, Mr. Douglas. Actually, he's the second richest man in town, aren't you, darling? So, it's all over, huh? Sab khatam. Listen, Danny, maine tumhe hamesha kaha tha. Mujhe wahi aadmi pasand hai, jiske paas money hai aur power hai. Our style here. Sorry, I had to move on. Come on, darling, let's go. दर्द ही दर्द है रुसवा
आई हूँ। कैसे कटे सांसे उलझी हैं, रातें बड़ी झुलसी झुलसी हैं। नैना कोरी सदियाँ रे तन्हारे, मैं तन्हारे। रिश्ते बिना है जिस तरह साये बिना आदमी, दिल की किसी टोरी से है दिल की किसी बांधा हुआ आदमी से है बांधा। लंबा सफर उम्र का है, लंबा सफर तन्हा गुजरता नहीं, तन्हा गुजरता सर पर अगर धूप ना हो, सर पर अगर साया उतरता नहीं, साया उतरता नहीं। दिल का ये सिक्का चल जाने दे, रिश्ता ये रिश्ता पक जाने दे। इतने में ही डर गया? इतने में तुम भी तो डर गए। पार्टनर? नहीं, ब्रदर्स। भाई? भाई। पक्का? पक्का। क्यों? क्योंकि पार्टनर से हिसाब किताब का रिश्ता रखते हैं, नाप तोल का रिश्ता रखते हैं, लेकिन भाई ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता है। डैडी के डायलॉग मुझ पर मार रहा है तू? हाँ। लेकिन अब समझ में आया, थोड़ी देर बाद, हम कितने कमीने थे ना। मामा जी, तुम लोगों की कोई खबर ही नहीं है? नहीं मामा जी, एक्चुअली कल ज्ञानेश भैया का बहुत इम्पोर्टेंट शो है ना, इस वजह से। ज्ञानेश बेटा गाए और हम ना आए? नहीं तो आप आइए ना प्लीज। अरे आइए क्या, आ गए। ओह गॉड। गॉड को क्यों याद करो बेटा? नहीं मामा जी, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आप आ रहे हो। ओ, हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। सारे बोल याद है? ये सब आपने लिखा है? जी मैंने ही। बहुत सुंदर है। आज बहुत खुश है ना आप? लग रहा हूं ना। क्यों ना हो, इतने बड़े उस घर में कोई साथ भी बिठाता था मुझे? वहां से कौन निकाल कर लाया मुझे? देवन, यहां किसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी खुलकर बोल सकता हूं, कह सकता हूं? अनुष्का जी ने, उन्होंने बताया कि मैं भी हूं, हूं मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अनुष्का जी तो बस क्या बात है, आज बहुत भावुक और इमोशनल हो गए।
आप इमोशनल नहीं होती? होती हूँ, इसलिए तो अपनी भावनाएं अपने गीतों में लिखती हूँ, अपनी और आप सबकी। मेरी भावनाएं लिखेंगी? लिखेगी ना? नंदिता, नंदिता, कौन बुला रहा है आपको? नंदिता, come on, नंदिता, रिहर्सल शुरू हो गई है। coming. हो डैडी, दिस इज नॉट फेयर। आपको यहाँ आना चाहिए, आज मेरा सबसे बड़ा शो है और आप इसी टाउन में होकर मेरा कॉन्सर्ट देखने नहीं आ रहे। बेटा, आई एम सो सॉरी बट आई सीरियसली कैन नॉट कम। आधे घंटे में सिटी के मेयर की हार्ट सर्जरी है जिसके लिए मुझे यहाँ खास बुलाया गया है। आई एम सो सॉरी बेटा। डैडी, प्लीज कम। नो नो, फॉर मी। आज उस बंदर के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और फिर कल से हमारा शो शुरू और उसका शो द एंड। नाउ एनीवे, तुम चिंता मत करना। ऑलराइट, यू गिव अ ग्रेट शो। बाय। बहुत प्रयत्न, बहुत प्रतीक्षा, बहुत परीक्षा दी है मैंने, परंतु अब जहर ही जहर को मारेगा। अगर सब लोग अपनी औलाद को सब कुछ देना चाहते हैं तो मैं अपनी औलाद के लिए क्यों कुछ ना करूं? जहर ज्ञानेश को चढ़ेगा और इल्जाम भाइयों पर लगेगा। All the best. Thank you. Hala. मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। इतना बड़ा शो, सारी दुनिया। मैं कहूंगा बाला, मैं गुड गुड ना, गुड ना। सब करेक्ट हो गया। मैं और डैनी करेक्ट, देवन और अनुष्का करेक्ट, सब फैमिली मिल गए। ओ गॉड, और अब बस तू आ गया। नहीं नहीं, सब आए, सब हो। सीन, What a scene. प्रशंसा करती हूँ मैं आपकी ज्ञानेश भैया। आपके खुशी के इस मोमेंट को तो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर ही लिया। देखे तो? नहीं, मैं सबकी मोमेंट्स और हरकतें अपने कैमरा में उतारती जरूर हूँ, लेकिन दिखाती नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट मोमेंट्स हैं भैया, और कईयों के तो राज भी खुल सकते हैं। मतलब बाला, आप कितने भोले हैं भैया। हम लोगों को छोड़ के आप उन दो जालसाजों के जाल में फंस गए जो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के लिए भैया आपको खत्म करना चाहते हैं। आपकी जान तक लेने को तैयार हैं वो। अगर आप डैनी और देवन की बात करें तो चले जाएं यहां से। चले जाइए, ठीक है, मैं चली जाती हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा भैया कि शीशे के सामने लोगों की सूरतें बदलती नहीं। आप लोग तो मास्क पहन के स्टेज पे शो करने जा रहे हैं ना, लेकिन ये रियलिटी शो है भैया। आप अपने भाइयों की असली सूरत देखना चाहते हैं? देखिए भैया, देखिए, देखिए, गौर से देखिए भैया, फिर शायद आपको समझ में आए कि मैं आपसे क्या कह रही हूं। देखिए भैया, गौर से देखिए। चीट, यू फ्रॉड। पार्टनर बनाकर माल खुद अंदर करना चाहता है, उसके सामने भैया बुलाकर मुझे विलेन बनाना चाहते हो। ज्ञानेश को गरम धमकियों से नहीं बल्कि नरम नरम झलकियों से उसे अंदर करना पड़ेगा। ओ,
जाइए ज्ञानेश भैया, देखते जाइए। बाला, congratulations and jubilations. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and celebrations. Ganesh, just relax. Ganesh, Ganesh, क्या? एक मिनट, मैं इसका इनहेलर लाता हूँ. Come on. Sit down. Just sit, Ganesh. Sit. Ganesh, bed jao. Calm down. Please. Ganesh, kya hua? Kisi ne mara tumhe? Huh? Ganesh? Shh. Hey. Ganesh? Sab theek to hai na? Huh? Kya hua? कोई आया था यहाँ पे? ज्ञानेश, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो जल्दी स्टेज के पीछे आओ, 10 मिनट में शो स्टार्ट होगा. हरी अप. ये कैमरा यहाँ रखा था? We are partners. किसका कैमरा ये? पता नहीं. कौन आया था यहाँ पे? सुकामना दी. And this is how it'll happen. Okay? हाँ. Don't worry. Okay? Everything is ready. Hello. नंदिता, अनुष्का को बोलो कि ज्ञानेश को अस्थमा अटैक आया है, उसे स्टेज पर मत जाने दो. Oh my God. मगर यहाँ तो सब रेडी है. नंदिता, मेरी बात सुनो, शो को आधे घंटे पोस्टपोन कर दो. देवन, प्लीज अंडरस्टैंड, ये नहीं हो सकता है. शो बिल्कुल शुरू हो चुका है. शो स्टार्ट हो गया. तुम सुकमनर मामा जी भी नजर रखो, मैं ज्ञानेश का ख्याल रखता हूँ. ओके. रॉबिन, ज्ञानेश को 10 मिनट पहले एस्थमा का अटैक आया है. ओह गॉड, लेकिन कर्टन तो उठ चुका है. क्या? चुप. No.
I brush up? Can I leave it somewhere? Oh, dil dil, hey dil dil, mil jaane de. Passion and aggression, can I leave it somewhere? Oh, dil ka ye sikka, chal jaane de. Rishta, ye rishta, pak jaane de. Passion and aggression, can I leave it somewhere? Oh, dil dil, hey dil dil, mil jaane de. हम दूर जिस्म अलग ही सही एक ही जा एक नूर hey dil dil mil jaane de passion and aggression can I leave it somewhere oh dil ka ye sikka chal jaane de rishta ye rishta pak jaane de pa ga mane sare 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 gal gao vandani de pa pa ga mane sare 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 da ba ga re ga re sa re sa re da ba 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 da ba 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 ga ma da ba ga re sa ni sa ba sa ga sa ga ba ga ba sa ni da ba ma da ma ni ba da ni ma 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 ba ba da ba ma ba ma ma ba 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 da ba ma ba ma ma ba ba da ga ni ni sa sa ba da ba ba da ga re re ma 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 ba ba da ba ma ba ma ma ba 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 da ba ma ba ma ma ba 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 da ga ni ni sa sa da da ba हंसते हुए जीना है तो जी ले किसी के लिए तेरे लिए है जिंदगी तू जिंदगी के लिए Oh my God, his pulse is dropping. He might be poisoned. What? Take him to the hospital. Sanslo, Ganesh. Ganesh, come on, breathe. Ganesh. Ganesh. Sanslo, Ganesh. Sir, dear. Ganesh. Inka pura ki mujhe samajh mein aa gaya. Aap Ganesh bhaiya ko hospital le jaiye. Main inko sambhalta hoon. Go. Go. Ganesh. Ganesh. Ganesh! Stupid shit! Turn.
लेट्स गो। वो देखिए सब समय अनुसार होता है और आपका समय आ गया मामा जी। Sir, I'm very sorry. His heart rate is dropping and he's in critical condition. And unfortunately, our senior doctor isn't here at the moment. However, there is a Dr. Banton. Dr. Banton, yeah. Dr. P.K. Banton. Yes, sir. He's a senior cardiologist and he's staying guest room 112 upstairs, just around the corner. 112. Yes, sir. Thanks. कोई नहीं चाल नहीं, मेरा भाई क्या ले नीचे उसका हार्ट रेट ढलता जा रहा है। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप यहां पे। मेरा मतलब यार अब मैं समझा, जिस भाई की दौलत पे तुम्हें नजर थी वो आज मौत के बिस्तर पे पड़ा है और अगर वो मर गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, इसलिए तुम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। रियली नो सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, मैं तुम्हारी कहानी और हर चाल समझता हूं। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं। आप जल्दी कीजिए, मेरा भाई मर जाएगा। तो मैं क्या करूं? मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा। अगर मेरा भाई मर गया तो तू भी मर जाएगा और मैं अपने आप को भी मार दूंगा। अगर मेरा भाई मर जाएगा तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अनुष्का भी नहीं चाहिए, आपकी दौलत भी कुछ नहीं। मैं यहां से चला जाऊं, प्लीज मेरे भाई की जिंदगी बचा लो, प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे प्लीज बचा लीजिए, बचा बचा कर प्लीज। I'm so happy, so happy, so happy. आज उन तीनों भाइयों को जायदाद से ज्यादा यूनाइटेड फैमिली की कीमत मालूम हो गई है। जोगिंद्र हमेशा कहता था एक औलाद को आजादी से जीने का हक है, लेकिन एक यूनाइटेड फैमिली के दायरे में। इंडिपेंडेंट यू लिव, यूनाइटेड यू स्टैंड, ए हैप्पी फैमिली। Congratulations, Yogendra. A great idea, man. Great idea.
जो मुझसे कहा गया ये सब नाटक था जाने। Hasta hasta garmastam, garmastam.